शंभू बॉर्डर यानी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यहां पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देखिए ये आए हुए हैं, कैसे लगी है चोट? प्लास्टिक की गोली लगी, प्लास्टिक की गोली लगी। इस तरह से कब से ये सब चल रहा है सिलसिला? तीन घंटा हो गया। क्या कोई वार्ता, कोई बातचीत का तरीका नहीं निकला? नहीं नहीं नहीं। तो अगर इस तरह के हालात बने रहे तो फिर क्या हो? हमने तो जो दिल्ली कूच को वादा किया है, जज को हमको कॉल मिला है, हम जाएंगे। हमारे ऊपर बम फेंके, गोली फेंके, जो करना है करें, हम वहां पर पहुंचेंगे। अगर इन्होंने हमको जाने नहीं देना, जो हमारे साथ कमिटमेंट किया था जब हम वहां से उठे थे, उसी बात पर हमको हमारी जो शर्तें हैं मान लें, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। जितनी मर्जी सीटियां देनी पड़े, सीटियां भी देवेंगे। देखिए इनके सिर पर चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी है, आंख लाल हो गई है। आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर आंसू गैस का गोला पड़ा होगा। इस तरह के कुछ और नौजवानों से मैं पहले मिला जिनके आंसू गैस के गोले हैं। लगातार ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हम दूसरे मुल्कों के लोग हैं, क्या हम दूसरी जगहों के लोग हैं जहाँ अपने ही देश में जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सरकार का अलग तर्क है, उनका ये कहना है कि यह आंदोलन हम दिल्ली नहीं जाने देंगे। अब और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात हैं। जी जी, इनसे बात करें। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार नहीं सुन रही है, नहीं मानेगी, तो फिर उपाय क्या है? फिर पाया दिल्ली जाने का, ये दिल्ली बंद करेंगे और कोई उपाय नहीं। जय मारा, हाँ जय मारे, कानून मान ले हम यहाँ से वापस हो जाएंगे, या नहीं मानेंगे तो पत्थर पट के यहाँ ले आएंगे, कुछ का घर में गिरेंगे। हम दिल्ली कूच करके रहेंगे, जितने मर्जी बंदे के गोलियां लग जाए, इसको हरजाना भरना पड़ेगा जेड़ा मैं हमारा नुकसान कर रहा है, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, ये मोदी भरना पड़ेगा। भावें दुनिया का कोई भी तख्ता पलट जाए, हम दिल्ली कूच करके रहेंगे, भावें कुछ भी हो जाए। जेड़े रेंदे खेंदे बैरीकेड हैं वो भी पट के घर में फेंके जाएंगे। किसानों की बुलंद आवाजें और इन आवाजों के बीच आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कल वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन किसानों और सरकारों के बीच वार्ता में बात नहीं बनी। जो किसानों की मांग है उस पर सरकार तैयार नहीं है और यहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक नौजवानों की एक बड़ी फौज है। आमतौर पर आंदोलनों में नौजवान नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन यह पंजाब का किसान आंदोलन है कि हजारों की संख्या में सर्वाधिक चेहरे नौजवानों के हैं और वह इस आंदोलन में भागीदार हैं। वह खेती किसानी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। कुछ और लोग खड़े हुए हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, ऐसी सरकार आपने कभी देखी है? जो सरकार हमसे ऐसा व्यवहार कर रही है, ऐसी सरकार आपने देखी? खट्टर सरकार क्या कर रही है? खट्टर के पीछे मोदी क्या कर रहा है? जी, आप अब अगर हमारी कोई मांग है, हम हमारे साथ कोई मीटिंग करे, बैठ के बात करे, इतना जुल्म करने की क्या जरूरत है? ये देखिए क्या चल रहा है जी, क्या हालात है। लगातार आवाजें आ रही हैं, थोड़ा हमारे साथ आइएगा आगे, और लगातार आवाजें आ रही हैं। दूर दूर तक आंसू गैस के गोले हैं और उन गोलों के बीच किसान हैं, नौजवान हैं, अपनी मांगों के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज बुलंद है, वो कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं की बड़ी भीड़ है और इस भीड़ में वो एक ही मांग है कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। एमएसपी की मांग बहुत बड़ी है, जो किसान 2020 और 21 के आंदोलन में मारे गए उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, और इन मांगों के साथ बॉर्डर पर आए हैं। ऐसे में अपनी जनता से बात किया जाना चाहिए। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा है इस आंदोलन में। आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं और युवाओं की एक बड़ी फौज है। ये देखिए कांग्रेस के नेता खैरा साहब हैं, ये मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि ये सरकार जालिम है। खैर, इनके नेता राहुल गांधी भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं और मानते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है। हम खुद भी बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आंसू गैस के गोले न पड़े हमारे ऊपर। और आपके आंखों पर गोला लगा है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो आपको तो पीछे हटना पड़ेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, जितने मर्जी गोले लगते रहे, बार बार कोशिश करते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे, जो बॉर्डर को पूरा तोड़ कर आगे कामयाबी पूरी हासिल करेंगे अपनी।
आगे जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली कूच करेगा जो मर्जी हो जाए। क्या सरकार के इस कार्रवाई से नौजवानों में रोष फैल रहा है, गुस्सा रहा है? कोई रोष, कोई बिल्कुल डट के डे है, जितना वो कर रहे हैं उतने जोश आ रहा है, सबको जोश बरकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बार देख रहे होंगे, बार बार हमारे बीच में धाए धाए की आवाज आ रही है, वो वही गोले की आवाज है। जी देखो, ये मुंह पर चोट लग गया है और देख सकते हैं ये जो मोदी सरकार गंदी सरकार आ रही ने, अभी बुलाए के जाके हटाएंगे जिस पर जान लिखड़े छी। ये वोट पर चोट लगी है, गोला गिरा, गोला गोला गोली मारी, राउंड की गोली मारी है। हाँ यहाँ देखो थोड़े सामने, बहुत गलत कर रहे ने, अभी तो साथ खड़े थे जी, उरे आके गोलियां मारियां ने पैंजुदा ने। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के अगर हालात बनेंगे तो जाहिर तौर पर यह उकसाने वाली बात होगी। अगर सरकार अपनी ही जनता को उकसाएगी तो हिंसा होगी। इस खतरे को प्रधानमंत्री मोदी को और मुख्यमंत्री खट्टर को समझना चाहिए। अगर किसी का आंख में पानी पड़ रहा है, किसी के वोट फट रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इससे गुस्सा बनेगा। आइए कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं, इनके भी आंख। मैनू लगता सर इन्हां नू पिछली बार तो कुछ समझ नहीं आया। साडी काम ओ आ जे कोई मुरो अरदा ना, असीं दुगने होके मिलदे आ। जे ये शांतमई मिलते शायद पंजाब ना आता। अज आह वीडियो निकल के जो पंजाब जानी है, जे ना दोने हो के टक्करे तां के हो, असी डरन वाले नहीं है। पिछली बार कुछ कारना करके मुड़ गए थे, पर यह ना समझो वे ऐतकी मुड़ जाएंगे। तुसी गोले सुटदे हो, सुटो किन्ने सुट सकते हो। पंजाब शुरू तो लड़ता आया, शुरू तक हूँ तक लड़ता ही रहा है, क्योंकि पंजाब एक जुझारू कौम है। किन्ने हमलावर पंजाब से चढ़ के आए हैं, पंजाब दबिया की मानता है गुजरात तो आके पंजाब नू दब लू। ये गलती ना करे, हुण भी समझौता कर लवे, हुण भी वधिया रहूगा, नहीं ये अगे चल के होर भारी पैना आ। हम जिन नौजवान से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पंजाब एक लड़ने वाली जगह है। हम पिछली बार मोदी की बातों से वापस लौट गए थे, लेकिन इस बार हम लौटने वाले नहीं। मैनू इकबाल का एक शेर याद आंदा आ, कहिंदा शर्म सी आती है इस देश को आप अपना देश कहते हुए। जिस तरह ना बॉर्डर बनाए ने, एदों वधिया तां पाकिस्तान दे बॉर्डर ने, जे नहीं है तो दसो कोई कोई भी सरकार इदा की हुई है जी अपने ही लोगों के लिए बॉर्डर क्रिएट करे। पंजाब जे नहीं चंगा लगता यार, मंग करते ने फिर अलग कर दो। असी खालिस्तान के समर्थन च नहीं है, ना कल मंगते सी ना अज मंगते हैं, पर जो साढ़े ना हालात बनते हैं सानू मजबूर कर रही ने सरकार। ये सरकार सोचना चाहिए, अज अपने लोगों अपने तो दूर कर रहे हैं। कितने एक एक भारत की गल करता मोदी, थोड़ा लगता है भारत एक हो जूगा? इस तरह का भारत के टुकड़े होंगे जो मोदी कर रहा है। ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और नया सवाल है इस आंदोलन के बाद, कि अपनी ही जनता को अपने मुल्क से जब आप फारिग करेंगे, अलग करेंगे, तो उनके भीतर अलग होने की एक मानसिकता पैदा होगी। ये एक अलग चुनौती जो सरकार की नीतियों की वजह से हो रही है, इस बात को यह युवा किसान भी समझ रहे हैं। लेकिन यह जो दग रहे गोले हैं, यह कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि जिनसे जनता से बात करनी चाहिए, जिस सरकार को इनके सामने टेबल पर बैठना चाहिए, वह बंदूकें दाग रही है, गोले दाग रही है। यह क्या यही डबल इंजन की सरकार है? क्या इसी इंजन की सरकार को मांगा था देश की जनता ने? ये इन सारे सवालों के बीच आज प्रश्न बना हुआ है कि 13 अक्टूबर को किसान दिल्ली कूच करने के लिए आए हैं शंभू बॉर्डर पर, और यहाँ गोले दागे जा रहे हैं, बैरिकेड लगाया जा रहा है, और यह बहुत बड़ा सवाल देश के सामने बनकर खड़ा हुआ है।